नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वैसे भी जितनी भी हम वीडियो डालते हैं सारी इम्पोर्टेंट ही होती हैं, लेकिन आज वाली वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे जो कनाडा के केसेस रिफ्यूज़ होते हैं, रिफ्यूज़ल के बाद जिनके ऊपर 5-5 साल का बैन लगता है, उसके रिलेटेड ये बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आप उस बैन को किस वे से रिमूव करवा सकते हैं उसके बारे में भी हमारी इसके अंदर डिस्कशन होएगी। और उनके कौन कौन से सेक्शन के थ्रू आपका बैन लगता है और कौन से सेक्शन के थ्रू आपका बैन रिमूव भी हो सकता है, तो वो कौन से ऐसे 7 रीज़न्स हैं, जिस 7 या 8 रीज़न है मेरे पास, जिनके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इवन जो टूरिस्ट का वीज़ा अप्लाई करते हैं, इवन जो PR भी अप्लाई करते हैं या व्हाटसोएवर किसी भी कैटेगरी का वीज़ा कनाडा का रिफ्यूज्ड करते हैं, अगर वो ये 8 मिस्टेकें करते हैं तो उनका जो बैन लगने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो वो मैं रीज़न भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे 8 रीज़न मेरे सामने आए हैं। मैं हर एक वीडियो में और बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूं कि क्राउन इमिग्रेशन रिफ्यूज़ल जो भी केसेस होता है उसके ऊपर काफ़ी एक्सपर्ट है, और स्पेशली जो लोगों के ऊपर बैन लगता है, आइदर कनाडा का लगा है या UK का लगा है या किसी भी कंट्री का आपके ऊपर बैन लगा है, तो उस बैन को आप किस वे से रिमूव कर सकते हैं अगर आपकी जो प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है और एक आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जहां आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, जहां आप एक जेन्युइन PR अप्लाई की है, जहां वहां पे एज ए आपने जेन्युइन इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई किया है, तो आपको कुछ रीज़न के कारण बैन लग चुका है, तो उसको आप कैसे रिमूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आम चीज़ें लगती हैं, मैं उनके एक उनका IRPA, जिसको हम इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, मैं रिपीट कर दूं, IRPA, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। IRPA है क्या, तो कौन से सेक्शन के थ्रू वो आपके ऊपर बैन करते हैं। तो जब भी आपका रिफ्यूज़ल लेटर या बैन का लेटर आता है तो उसके ऊपर उन्होंने एक सेक्शन लिखा होता है, सेक्शन 40A1 अंडर उन्होंने IRPA एक्ट भी लिखा होता है साथ में, हमने इस एक्ट के थ्रू आपका ये बैन किया है, उसके अंदर उन्होंने रीज़न लिखा होता है। क्या रीज़न लिखा होता है, विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और मटीरियल फैक्ट्स, ये साथ में वर्ड लिखा होता है जब वो आपको बैन करते हैं। बैन करने से पहले वो आपको एक चांस देते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप इस बैन के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमें इसकी रिप्लाई विद इन 30 डेज़ के अंदर करें। तो 30 डेज़ के अंदर लोग रिप्लाइयाँ भी करते हैं, उसके बाद भी वो 100% बैन ही करते हैं अगर आपका वो रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो आपने जब वो रिप्रेजेंटेशन बनानी है उसके अंदर क्या चीज़ें कोट करनी है और किन किन को कॉपी करनी है, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ही बता सकते हैं जो इन चीज़ों को मतलब रेगुलरली मतलब इनको टच में है। तो मैं अभी रीज़न बताऊंगा जो मेरे पास बैन के केसेस आए हैं। अभी भी रिसेंटली भी मेरे पास केसेस आते, पहले तो आ ही रहे थे। कनाडा के अंदर लोगों ने फेक मैरिजेस करवा कर, मतलब कनाडा की हिस्ट्री के बारे में आप 20 साल ले लो, 15 साल ले लो, लोगों ने फेक मैरिजेस करवा कर भी वहाँ के वीज़ा लिए हैं। तो उनकी जो इमिग्रेशन को फिर पता चल गया कि यार अभी हमारे कंट्री के अंदर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, तो लॉट ऑफ एप्लीकेशन पढ़ने के कारण तो उनका वेरिफिकेशन चेक्स अभी उन्होंने पिछले 2 साल से काफ़ी स्ट्रिक्ट किया, पहले उनको समझ नहीं लग पा रहा था कि इन डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई किस वे से करें, लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर भी वीज़ा लेने की कोशिश की है। आज की डेट में भी फेक डॉक्यूमेंट लगकर वीज़ा मिले हैं, मेरे पास ऐसी भी 5-7 एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वो मेरे पास अप्लाई करने के लिए आया एक बच्चा, तो उसने अपने 12th का एक कोई ओपन बोर्ड है USA की, वहाँ से अपना 12th का सर्टिफिकेट बनाया हुआ था, तो कहा कि सर मैं अप्लाई करना है कनाडा का, तो मैंने फेक बनाया। मैंने कहा यार मैं तो काम नहीं कर पाऊँगा, कहता मेरे दोस्त गए हैं इस डॉक्यूमेंट को बना के। मैं कहा फिर ठीक है, तो पर मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर आपने मुझे पहले ही फेक बता दिया है तो आप उसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर लो। तो उसने अप्लाई किया तो उसका वीज़ा आया फेक डॉक्यूमेंट लगा कर भी, बट उसी डॉक्यूमेंट को जो उसने यूज़ किया था, अनदर स्टूडेंट ने यूज़ किया, उनको रिफ्यूज़ल्स भी मिली और साथ में बैन भी लगा था। वो लकीली निकल गया क्योंकि उसका जो वीज़ा ऑफिसर था जो केस हैंडल कर रहा था वो
अलग अलग था, क्योंकि एक ही वीजा ऑफिसर के पास तो फाइल नहीं जाती। तो अभी रीजन बताऊंगा। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के जो मेरे पास जो केसेस आते हैं बैन लगने के बाद या रिफ्यूज़ल हो जाती हैं, तो फिर हम इसमें ढूंढते हैं किसके ऊपर, गूगल में तो क्राउन इमिग्रेशन वाले मिलते हैं। जिन बच्चों ने फेक IELTS लगाया उनके चेक हुए, उसके कारण उनको रिफ्यूज़ और साथ में 5 साल का बैन मिला। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंटों ने विदाउट बच्चे को इन्फॉर्म किए उसके IELTS में अल्ट्रेशन एडिशंस की हैं। जैसे बच्चों के ओवरऑल 6 आ जाते हैं, किसी मॉड्यूल में 5 या 5.5 आते हैं, उसको उन्होंने IELTS को क्या किया, उसके 6 बनाए। तो ऐसे भी बैन लगे हैं, उन्होंने जब चेक किए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को अल्ट्रेशन एडिशंस की हुई हैं। अकेडमिक डॉक्यूमेंट का तो मैंने बता ही दिया था। इसी तरीके से कुछ मुझे पास रिफ्यूज़ल ऐसे हैं कि जो आप एम्बेसी की फ़ीस रिसीट है आपने रॉन्ग अपलोड कर दी है इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर, उसके कारण रिफ्यूज़ भी हुआ है और साथ में बैन भी लगा है। तो और इसके अलावा फेक GIC अकाउंट, फेक GIC अकाउंट लगाकर भी बच्चों ने वीज़ा जो अप्लाई किए थे वो जब चेक हुए तो उसके कारण भी रिफ्यूज़ल्स आई हैं। इवन मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा कुछ ऐसे टाइप के हैं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट फेक लगाए हुए थे, उसको बिजनेसमैन बनाया गया था कि जिसके अंदर उसकी ITRs भी, बिजनेस के भी, करंट अकाउंट में, वो भी केस आए हमारे पास। तो उसमें भी जब सारे डॉक्यूमेंट फेक थे तो बैन लगना ही था जब वो चेकिंग हो गई। इसी तरीके से मेरे पास फेक GIC बता दिया, और कुछ लोगों का गलती से उन्होंने अपनी प्रीवियस रिफ्यूज़ल अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं की थी। जैसे उसका चाहे कनाडा का रिफ्यूज़ था टूरिस्ट वीज़ा, या उसका USA का रिफ्यूज़ था, उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसके कारण भी बच्चों के 5-5 साल के बैन लगा दिए इतनी इतनी ग्राउंड के ऊपर भी। इसी तरीके से आपका फेक एडमिशन लेटर के ऊपर भी बच्चों के बैन लगे हैं। इवन मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था, उस बच्चे को फेक वीज़ा आने के बाद फिर भी उसको फेक एडमिशन लेटर दे दिया, और वो उसको जब उसने फ्लाई किया वहाँ जाके उसको वहाँ की जो कनाडा की बॉर्डर पुलिस है उसने उनको डिपोर्ट किया। ऐसे भी केसेस मेरे पास आए। इवन कंट्राडिक्शन ऑन इंटरव्यू, कुछ केसेस के ऊपर कैनेडियन एम्बेसी ने कुछ स्पाउस केसेस को इंटरव्यू के लिए कॉल किया, वहाँ पर जब इंटरव्यू हुई दोनों की, स्पाउस की और जो जिसने स्टूडेंट की, तो उसके अंदर उनकी दोनों की स्टेटमेंट मैच नहीं हुई, उसके कारण रिफ्यूज़ भी और साथ में बैन भी लगा। तो ऐसे ऐसे टाइप के मेरे पास बहुत सारे बैन के केसेस आए। तो इनके अंदर कुछ केसेस तो हमने यहाँ पर एम्बेसी से फाइट करके उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, जो तो टाइम के अंदर थे, जिन्होंने 1 महीने के अंदर ही अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजनी थी। कुछ केसेस जो टाइम बार्ड हो जाते हैं उनके ऊपर पहले हम रिप्रेजेंटेशन ज़रूर लिखते हैं यहाँ पर एम्बेसीज में और वहाँ की IRCC को जो उटावा के अंदर है, तो उसमें उनकी कोई रिप्लाई उन्होंने दी नहीं है। उसके बाद फिर हमने वी आर यूजिंग द फेडरल कोर्ट, यहाँ पर जेन्युइन केसेस अभी यूज ही फेक डॉक्यूमेंट किए हुए हैं तो वहाँ पर हम जेन्युइन क्या कर सकते हैं। हाँ, आपसे गलती से फॉर्म के अंदर प्रीवियस रिफ्यूज़ल नहीं रिफ्लेक्ट की गई और रिफ्यूज़ और बैन लग गया, उसमें भी हम फाइट करके ऐसी केसेस को रिमूव करवाया है क्राउन इमिग्रेशन ने थ्रू फेडरल कोड। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास केसेस आते हैं और वो केसेस हमारे अलो हुए हैं। अलो होने के कारण ही ये मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ। एक सेक्शन है उनका 25(1), मैं फिर बता 25(1) सेक्शन है IRPA। आप 25(1) IRPA पढ़ेंगे ना, उसके अंदर इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर क्या है, जिन स्पाउस के केसेस रिफ्यूज्ड होते हैं और साथ में बैन लगता है उनके लिए ये जो सेक्शन है इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेबल है। इस ग्राउंड को देकर वहाँ की फेडरल कोर्ट से उनकी जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो अलो करवाई है। इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ, इस सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपका केस स्पाउस का है, रिफ्यूज्ड हो चुका है, तो आप इस सेक्शन के अंदर अपना बैन रिमूव करवा सकते हैं अगर आपका जो जज है वो सेटिस्फाई हो। इस की क्या ग्राउंड है, इसके ऊपर है ह्यूमनिटेरियन कंपनशनेट ग्राउंड, ह्यूमनिटेरियन कंपनशनेट ग्राउंड है 25(1) जो कि इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट है, वो हम डाल के भी हमने केसेस लिए हैं। बट आपके रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम स्पाउस का केस डालते हैं ओपन वर्क परमिट, आइदर स्टूडेंट का है या वर्क परमिट वाले का है या PR होल्डर का है,
अभी आपका स्टूडेंट का स्पाउस वीजा रिफ्यूज हो चुका है, तो उस केसेस और उसके ऊपर बैन लग चुका है, उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं अच्छा सजेशन बताऊंगा आपको, क्योंकि इस केसेस में क्या है कि पीआर में बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को वहां पर भी, अगर उसका स्पाउस का वीजा जहां से रिफ्यूज हो जाए और साथ में बैन लग जाए, उन केसेस में बच्चों को वरिड करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी वहां पर पार्टनर को, स्टूडेंट को वहां पर वर्क परमिट लेने तक का वेट करना है, और उसके साथ फिजिकली और कम्युनिकेशन वाइज टच में रहना है। और अगर आप उसमें टच में हैं तो आप इस सेक्शन के थ्रू भी अपना बैन रिमूव करवा सकते हैं और दोबारा अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास वी आर वेरी वेरी टेक्निकल, क्योंकि मैंने फिर बताया ये चीज़ों को पढ़ते हैं आप, हजारों वीडियोस देखो कनाडा से रिलेटेड, सिर्फ आपको इन टेकों के बारे में बताएंगे अभी आपको ये करना चाहिए, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ आ गया, आपकी SOP है, बैंक स्टेटमेंट है, ऐसी तैसी है, लेकिन ऐसी टेक्निकल वीडियो वो ही बना सकते हैं जो इन चीज़ों के साथ टच में है। अगर आपका कनाडा का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज है, बैन है, जहाँ आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, कनाडा में जाना चाहते हैं, चाहे उनके किसी भी इनटेक में, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। कनाडा में अगर आपने अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करना है, अपना ओपन वर्क परमिट भी अप्लाई करना है, जहाँ आपने अपने पेरेंट्स का सुपर वीज़ा अप्लाई करना है, या कैन प्लस वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन की गाइडेंस ले सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को कनाडा से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है और हम कनाडा के रेगुलर केस डील करते आ रहे हैं। तो लास्टली मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि इस टाइप की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं कि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के ऊपर डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।